अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक, नई सुबह नए मेहमान, नई सुबह के साथ नए मेहमानों के साथ। जैसा कि आपको पता है, तारा रारा आपके साथ लेकर आती है नया टैलेंट और नए लोग जो स्क्रीन फेस पे आना चाहते हैं और जिनका ताल्लुक ज़्यादातर टिकटॉक की दुनिया से होता है। ऐसे ही जो आज हमारे पास मेहमान मौजूद हैं, उनका ताल्लुक भी कोई टिकटॉक की दुनिया से है, टिकटॉकर्स भी हैं और अभी रीसेंट मीडिया में इन हुए हैं। और मैं उनसे ये पूछूंगी कितने टाइम में इन्होंने कितनी फॉलोअरशिप गेन की, क्या कंटेंट है टिकटॉक पे आने की, क्या रीज़न है और क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। टिकटॉक पैसा नहीं देता तो फिर क्यों लोग टिकटॉक पर फॉर हो रहे हैं। तो वेलकम करते हैं अपने शो पर निशा और अब्दुल्ला को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक। आप कैसे हैं? ठीक हूँ, आप सुनाएं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं निशा, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप टिकटॉक क्यों बनाती हैं? क्यों है? शौक है, बस शौक है। हाँ, अच्छा लगता है बनाना। एक दिन में कितनी वीडियोस बनाती हैं? कभी तो एक भी नहीं डालती और कभी तो 5-6 डाल देती हूँ एक साथ। 5-6 एक साथ? मैं तो तैयार होती हूँ जब मुझे लगता है जमाने बाद में कोई अच्छा तैयार हुई हूँ। मैं खुद को जब अच्छी लगती हूँ ना तो मैं कोई 10-12 बना के ड्राफ्ट में रख लेती हूँ, वो मेरा महीना चल जाता है। अच्छा, मैं जिस हाल में भी डाल देती हूँ। हाँ, ये तो है, हमें भी कोई कभी कभी टाइम मिले तो। आजकल तो फिल्टर इतने अच्छे आए हैं माशाल्लाह इंसान। मैं जब वीडियो अपलोड करने के बाद वही वीडियो अपने सामने देखती हूँ तो मैं फिर अपने आप को शीशे में देख रही होती हूँ, ये मैं ही हूँ, इतने प्यारे फिल्टर। जी जी बिल्कुल। अब्दुल्ला से पूछते हैं, अब्दुल्ला आप भी टिकटॉक बनाते हैं? नहीं, मेरे टिकटॉक का शौक नहीं है। ये मेरे कैमरा मैन है ना। अल्लाह, तो ये बहन ये भी कैमरा मैन, मैं इनका नहीं हूँ पर इनको टिकटॉक पे लाने वाला ही मैं हूँ। नहीं तो यहीं से चमाट आता पीछे। नहीं, निशा को टिकटॉक पे लाने वाला ही मैं हूँ। हाँ जी, ये तो नहीं बना रही थी बचपन से एक्टर बनने का, पर इसको मैंने यही प्लेटफॉर्म बताया। करने का बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था तो बना नहीं सकती थी क्योंकि हमारी पख्तून फैमिली है ना। तो फिर मेरे ये भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और कहा कि नहीं, तुम अगर करना चाहती हो तो करो। तो बस फिर स्टार्ट किया। शौक था क्या? मतलब शौक नहीं है अभी? अब है ना, क्यों नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अभी तो ज़्यादा क्रेज हो गया होगा ना, क्योंकि बचपन की जो चीज़ होती है जब इंसान मैच्योर होता है, बड़ा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, निकलता है तो उस चीज़ की ज़्यादा क्रेज में। बिल्कुल ऐसा ही है, हो गई होगी। अच्छा अब्दुल्ला, आप क्या इनके कैमरामैन भी हैं और क्या क्या है? नहीं, इनके जो अल्लाह ने दो प्यारे प्यारे हाथ दिए हैं वही इनके कैमरामैन हैं। अच्छा, अब्दुल्ला तो सोए हुए होते हैं कि इनका सारा साउंड। अब्दुल्ला, आपको एक्टिंग का शौक है, मीडिया में आने का शौक है? हाँ, पहले मैंने मीडिया ज्वाइन किया था पर वो ऐसी सीरीज आ गई कि मैं उनसे हट गया था और अभी दोबारा। अच्छा, अगर मैं निशा तुमसे ये बात पूछूं, आप पख्तून फैमिली से बिलोंग करती हैं तो पठान तो बहुत सख्त होते हैं, तो आप कैसे टिकटॉक पे आई, आप अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस किया, ये सब चीज़ें मुझे। अच्छा, फिर नरम कर दिया था हमने अपने नहीं, शौक था ना मुझे बचपन, शौक तो था लेकिन कन्विंस इस तरह किया ना कि ये मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, और मैंने इनसे बात की कि हाँ इस तरह, और इन्होंने कहा हाँ अगर तुम करना चाहती हो, अल्लाह ने लुक्स भी दिए तो करो, क्यों नहीं। और मैं समझती हूँ आजकल के दौर में जो है ना करना चाहिए। आपने अम्मी अब्बू को कैसे मनाया? अब्बू तो हमारे हैं ही, सॉरी, अम्मी को कैसे मनाया? पर अम्मी को जैसे मनाते हैं, मेरी अम्मी बहुत फ्रेंड मनाते हैं। इधर मैं अपनी अम्मी को बोलूं तो थोड़े से पाँव अम्मी के दबा लिए, कभी कभार तो दूर से छितर का भी जो है ना वेट नहीं होता। और नियर में होती हूँ अगर तो स्टूडियो में भी अम्मा वहाँ से चप्पल दिखा रही होती है, बेटा ऐसे ऐसे नहीं बोलना, ऐसे करना नहीं। हमारी अम्मी ने आज तक हमारा नहीं, हम लोगों को। अच्छा, सपोर्टिव बहुत ज्यादा, ऐसी है ना कि अगर, और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उन्हें इतनी, हम बोलते हैं कि ऐसी अम्मी सब पर लगे, कहीं जाती है तो वो अम्मी कम बहन ज्यादा लगती है। अच्छा जी, तो ये तो अच्छी बात है क्योंकि आप, अगर मैं ये कहती हूँ कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर वो किसी मकाम पे होता है जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं है जब तक वो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे yes, ही good. है ना, मेरी फैमिली अच्छी है। अब्दुल्ला ने दिल से बोला यस गुड। हाँ ऐसे ही है, पर निशा चुप है, कितनी बातें करती है घर पे। हाँ निशा, क्यों ये ज्यादा बोल रहे हैं ना? अच्छा, वो बोलने नहीं दे रहा आपको? अच्छा, आप बोल सकते हैं, तीनों ही ज्यादा बोल रहे हैं वैसे। आप बल्कि मुझे भी चुप करा के आप बोले। नहीं नहीं, आप पूछे मैं बताऊंगी आपको। नहीं, अच्छा नहीं। लग रहा है आप लोगों को सुनना, एंजॉय कर। अच्छा, एंजॉय कर रही हैं अभी तो? जी जी, स्टार्ट हुआ। अच्छा मुझे ये बताएं, टिकटॉक का आपको शौक हुआ, कितने टाइम में आपने फैन फॉलोइंग गेन की? अच्छा, मुझे इतना टाइम नहीं लगा, मुझे अभी मंथ भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन माशाल्लाह अच्छी फॉलोइंग भी है और वीडियो भी फॉर यू पे अच्छे तरीके से जा रही है, चल रही है। अच्छा, किस सॉन्ग पे ज्यादा वीडियोस रखती हैं? मैं उर्दू पे ज्यादा होती हूँ, पश्तो होती है, एक दो होती है बस। नहीं, पख्तो क्या हो गया, तारा रारा है।
पूरे टिकटॉक में एक दो वीडियोस ऐसी होंगी जो पश्तो पे होंगे। पश्तो सॉन्ग एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो लाड़शा पे खबर तक का। हाँ उस पर भी है, उस पर भी है। मैं जब छोटी होती थी मुझे आज भी याद है ये आज वो जो है पख्तून है, तो मैं ये बात शेयर करूँगी। तो मैं गुजर रही थी कॉलेज से, स्कूल में मैट्रिक में थी शायद, वहाँ से गुजर रही थी, किसी पठान लड़का था वो मेरी क्लास के साथ, जो क्लास थी उसमें स्टूडेंट था। जी जी। तो मैं गुजर रही थी तो उसने मुझे बोला वो मड़ा जाते सारे मिना को। अच्छा मुझे उसका अंदाज इतना अच्छा लगा, मैंने भी उस मेरी जबान पर वो चढ़ गया। अब जब मैंने किसी से पूछा तो उसने मुझे बताया भाई ये तुझे प्रपोज कर रहा है। तो मैंने कहा क्या बोले बंदा, तो तब मुझे ये बात पता चली और मुझे ये लफ्ज अभी तक। अच्छा ये बात मुझे भी किसी ने बहुत प्यार से बोली है, जता सरमीना को फैमिली में ही किसी ने कही है, और मुझे उनके मुंह से ये बात बहुत अच्छी लगती है और मैं उनसे बार बार कहती हूँ कि बोले। फैमिली के ही मेम्बर्स हैं लेकिन आप एक दफा फिर बोले जता सर। यार नहीं बस तो नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा बोला सीरियस। हाँ सारा मीना को जत सारा मीना को मतलब मैं सारा प्यार करती हूँ। अल्लाह नहीं इस पश्तो में ऐसा बोला जाता है कि जता सरमीना को। अच्छा मैं बताया मुझे सर सिखाए। यार बस छोड़ो यार ये क्या है ऊपर से जा रही है। नहीं नहीं थोड़ी पश्तो आप सीखने अच्छी। बस मैं मुझे लग रहा है अगर आप रोजाना मेरे शो पे आएंगे तो मैं सीख जाऊंगी। हाँ इंशाल्लाह जरूर। कुछ बोलना ऐसे अल्फाज सिखाएंगे ना कि ये वो मैट्रिक में जो सिखाया था अभी पता चला, जब अभी सिखाएंगे वो तीन साल बाद मुझे नहीं जैसे कि यहाँ पर सिंध में सिंध के पेपर्स होते हैं ना हमारी सिंधी जबान में ना, तो हम वाकई में अपनी सिंधी ज़बान को फॉलो भी करते हैं। तो इस तरह पख्तूनख्वा में वहाँ पर हमारी जो लैंग्वेज है पश्तो उसकी ज़बान में पेपर होते हैं, आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, आप पश्तो जल्दी सीख जाएंगी। अच्छा बस फिर मैं क्लासेस लेने लगी हूँ, एडमिशन ले रही हूँ वहाँ। आप निशा के साथ ही एडमिशन ले लें। निशा आप अभी तक पढ़ी नहीं है? नहीं नहीं निशा के साथ निशा के पास आकर एडमिशन ले लें। आपको बोल रहे थे मेरे पास एडमिशन लेने, आप मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन मुझे खुद भी अच्छी तरीके से नहीं आती। जब मैं किसी पठान बंदी के साथ बात करूँ ना तो कंफ्यूज हो जाती है। एक बार हमारी फैमिली में ना ऊपर घर में किराएदार रहते थे ना, तो उन्हें उनके घर हमारा आटा रखा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि हमारा आटा दे दो ना। तब मैं पश्तो में उन्हें बोल रही हूँ जमूंगा वाड़ा रख गई, वाड़ा जो है ना बच्चों को बोलते हैं, तो वो बोलते हैं तुम्हारे घर में तो बच्चे हैं ही नहीं हम किस तरह ले। तो अम्मी जाए ना नमाज में नमाज पढ़ रही थी, अम्मी ने कहा इसको सही नहीं आती ये बोल रही हमारा आटा दे दो, और वो हंस रहे थे कि ये बोल रही है कि हमारे बच्चे दे दो। आप भी प्रैंक्स करती रहती हैं लोग। हाँ मुझे आती सही नहीं है ना, जहाँ गलत बोलूँ ना तो ये डायरेक्ट बीच में आ जाते हैं कि नहीं ये बात ऐसी नहीं ऐसी है। वैसे सिंधी में कैसे बोलते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? कैसे बोलते हैं? देखें हुआ आप पश्तो तो सा प्यार कंदी आया, माँ तो सा प्यार कंदी आया। अच्छा उसे प्यार ऐसे बोलते हैं। अच्छा तो वही ये तो खैर लैंग्वेजेस जो भी हो इंसान जो है किसी की जबान जात पे नहीं जाए, सब हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। और एक जगह पे रहते हैं सिंध में, तो सिंध में रहना जो है एक दूसरे से प्यार की निशानी होती है। बिल्कुल ऐसा ही प्यार करना चाहिए। और सबसे पहले हाँ प्यार से मुझे याद आया सिंगर फायजा अली को मेरी तरफ से शादी की बहुत बहुत मुबारक हो, जो मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, बहुत प्यारी बहन है, हमारा सिंध का बहुत प्यारी फनकारा है, नाम है, सिंगर है। उन्होंने शादी की अब्दुल हमीद अब्रू साहब के साथ, जो कि FDR के कमिश्नर हैं इस टाइम, तो दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वलीमा है। तो ऐसी नई ज़िंदगी की शुरुआत उन्होंने की, और नसीब अच्छे करे अल्लाह सब लड़कियों के, सब बच्चों के, सब बहनों के, सब भाइयों के भाइयों के हाँ मतलब चलो भाइयों के सारे नसीब लड़कियों की अच्छी हो जाएंगे तो लड़कियों के बढ़ जाएंगे भाई अल्लाह नसीब अच्छे करे लड़कियों के भी लड़कों के भी बस। हाँ और जो बुड्ढे हैं उनके भी बस। नहीं बुड्ढों के अच्छे चल रहे हैं आजकल, बुड्ढों का तो अच्छे के नसीब अच्छे चल रहे हैं, ये जो जवान भाई जवानों के नसीब अच्छे नहीं चल रहे, उनका सितारा गर्दिश में आजकल चल रहा होता था मैं कुछ बोलती लेकिन कुछ बातें कैमरे के पीछे अच्छी लगती है। लेकिन खैर निशा कंट्रोल करो, शो बंद नहीं करना, हमने आगे भी अपना शो करना है। सही सही। अच्छा निशा मुझे ये बताओ स्टडी कर की है आपने? जी जी मैंने इंटर किया है, आगे भी अभी करूँगी। क्या प्लान है फ्यूचर? शादी करने का प्लान है अभी फिलहाल। शादी शादी नहीं नहीं एक्टिंग करूँगी। शादी नहीं करना, शादी बर्बादी है। नहीं शादी अच्छी चीज़ है अगर लाइफ पार्टनर अच्छा मिले आपको। इंशाल्लाह अच्छा पार्टनर मिला तो ज़रूर, लेकिन बहुत देर से जब मैं बुढ़ी हो जाऊँगी, ट्रेंड चेंज होना चाहिए। हाँ
आप शादी का प्लान? जी है। कब? अगर कोई अच्छी सी मिलेगी तो जरूर करेंगे। अल्लाह देगा। अगर कोई देख रही हो तो मैं जरूर रिश्ता इनके घर लेकर जाऊंगा। यार ये तो ये वाला सीन हो गया है। हफ्ता आ जाए मुफ्त। आपने नाशपाती शो देखा होगा ना? जी जी। तो समझ ले वही शो हो रहा है। बस मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो है ना रिश्ते हो जाएंगे। रिश्ते कराने वाली आंटी लग रही हूँ, शो होस्ट कम लग रही हूँ, मैरिज ब्यूरो खोल के ऐसा लग रहा है मैंने मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है। नहीं यार मुझे कोई इशू नहीं है, मैं कोई लड़का नहीं हूँ जो मुझे प्रॉब्लम्स हो। अगर कोई कॉन्टेक्ट करना चाहती है तो मोस्ट वेलकम, कर सकती है आपसे कॉन्टेक्ट। तो लड़कियां ही करेंगी, लड़के तो कॉन्टेक्ट करेंगे। लेकिन इस टाइम गवर्नमेंट ने ये पास कर दिया है कि आप बिल पास हुआ है ना, पास हो चुका है, लड़का लड़के शादी करें, बिल्कुल कर सकते। अब इतने बुरे दिन गवर्नमेंट क्या है हमारे लिए आए आए। तो यार खैर ये सब। वैसे आपका क्या ख्याल है इस बारे में, लड़का लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए? मेरा क्या ख्याल होगा, मैंने कोई करके? अभी गवर्नमेंट ने ये बिल भी पास किया है ना फिर के, मतलब लड़की भी लड़की शादी कर सकती है। यार अभी मैं आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास वर्ड्स नहीं है लिए कोई लफ्ज नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, हम सबका ख्याल रखती है। पर अभी क्या बोले, गवर्नमेंट है जिस तरफ उनकी लॉ है, उनका कानून है। तो आप बताएं। मैं क्या बताऊं, कुछ भी बोलें। निशा तो चुप ही हो गई लगता है, हम बात कर बात। निशा मुझे ये बता, निशा ये आपकी अपनी आईज है या लेंस लगाए? लेंस। हाँ अपनी कैसी है? अपनी जब बंद हो जाती है। अब इससे भी प्यारी है तो ये क्यों पहनी थी जब इससे प्यारी थी? ये आई सेट की। आपकी आई साइड वीक है? जी जी वीक। आप ग्लासेस पहनती हैं? कभी मूड हुआ तो पहनती हूं। वैसे लड़कियां मेकअप क्यों करती हैं? हाँ? लड़कियाँ मेकअप क्यों करती हैं? लड़कियाँ मेकअप इसलिए करती हैं कि खूबसूरत लगे। अच्छा वो लड़का दो मिनट में तैयार हो जाते हैं उनसे ज़्यादा खूबसूरत लगता? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कि लड़कियाँ मेकअप क्यों करती हैं, लड़कियाँ मेकअप इसलिए करती हैं क्योंकि मेकअप बना लड़कियों के लिए। बिल्कुल सही बोला। आप क्यों नहीं करते? हम कुदरती, अल्लाह ने मेकअप किया है। कुदरती की बात नहीं है, क्या मतलब है अब लड़का ये बोले मैं खूबसूरत हूँ इसलिए नहीं करता? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर लड़कियाँ क्यों करती है भैया मेकअप, जरूरी लड़कियों के लिए बने? तो जाहिर सी बात है ना, लड़की औरत है, औरत तैयार होके बाहर निकलेगी ना। निशा औरत हो गई अभी। यार तुम ये उलझा रहा है, मेरी गलती नहीं है। बिल्कुल नहीं, पठान ही तो बहुत समझदार होते हैं ना। बस तुम पठान हो, तुम्हारे आपके पास अभी जवाब नहीं है। यार तुम्हारा सवाल ही ऐसे है, लड़कियाँ मेकअप क्यों करती है? बना मेकअप है लड़कों के लिए भी बना है, अगर इन्हें शौक हो रहा तो ये भी कर आपको। हाँ आप नहीं सर, आप अपना मेकअप दे दीजिएगा। मुझे भी नहीं करने देते जब नहीं, अक्सर मैंने देखा ना लड़कियों के चेहरे पे मेकअप बेहर होता है। निशा एक दिन हमारे साथ जा रही थी, मेकअप इन्होंने किया हुआ था तो बारिश थी, अच्छा पूरा का पूरा मेकअप बह गया था इनके पास। बहुत कम होता है जैसे आपका कलर माशाल्लाह वैसे भी फेयर है। क्रीम लगा दी अच्छा, मैं एक लिपस्टिक से ना पूरी तैयार हो सकती हूँ आराम से ना, तो मेरा मेकअप होता ही बहुत कम है। लेकिन ये जो है ना तौबा, मैं अपनी अम्मी कहीं जाती हूँ ना अपनी अम्मी को बोलती हूँ इनके साथ मुझे मत भेजिए। अपनी अम्मी को क्या बोलती हूँ, उसकी अम्मी नहीं है, अपनी अम्मी को बोलती हूँ। नहीं हमारे घर में अम्मियाँ भी चेंज है। अम्मियाँ भी चेंज है यार। जिसकी भी हो निशा कह रही है मैं अपनी अम्मी को बोलती हूँ मुझे इसके साथ ये मेकअप के खिलाफ बात की। अपनी अम्मी के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ, अम्मी अभी चेंज कर दी आप। मैं अपनी अभी अम्मी का टॉपिक चढ़ गया, मैं अपनी अम्मी के लिए बोलना चाहता हूँ। हमारी अम्मी बहुत अच्छी औरत है और उन्होंने हमारे लिए बहुत स्ट्रगल किया है। मैं बोलता हूँ कि बहुत कम माएँ होती हैं जो अपनी औलाद के लिए इतना स्ट्रगल करती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। और मैं अपनी अम्मी को ये बोलना चाहता हूँ कि हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हम इस मकाम पे, तो ये आपकी वजह से हैं। ऐसा ही है। आई लव यू अम्मी। आई लव यू टू अम्मी। नहीं अम्मी निशा देखे ना, इधर फ़र्क है ना अम्मी के, मतलब मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसको बताया जाता है कि अम्मी है। अम्मी बोलता ज़्यादा है ना, अगर अब इनका बस नहीं चल रहा अम्मी को लेकर आते हैं, अम्मी को भी यहाँ पे। हमारी अम्मी बहुत क्यूट है। हाँ हाँ अम्मी को भी फिर दावत है इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आप लेके नेक्स्ट टाइम जब आप आइएगा और फॉलोवर्स आपके हो जाएंगे आपके भी, तो अम्मी को भी साथ लाएगा बीच। सबकी अम्मियाँ लाएंगे यार, ये डबल मीनिंग बंदा है, ये डबल मीनिंग बंदा। नहीं अगर शो में कोई कॉमेडी नहीं हो तो शो बोर रहता है, ये तो बात है। अभी अगर सब चुप रहेंगे, आप सवालात करेंगे और हम जवाब नहीं देंगे उसका, तो क्यों नहीं जवाब देने आए, तो जवाब दोगे ना, जवाब नहीं देंगे मतलब सीधे सीधे जवाब, हेलो कैसे हैं, बस इस तरह तो जवाब नहीं होगा ना। ज़्यादा बातें करेंगे तभी तो आपको अच्छा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप हंस रही मेरी वजह से, निशा तो अच्छी है बहुत।
बहुत, अरे यार ये गन पॉइंट पे तुम कह रही हो बहुत। नहीं इनसे हमें डर भी लगता है ना घर पे। क्यों? फिर नहीं कि आपके खाना खाना पड़ता है। निशा खाना आप बनाती हैं घर में? हाँ, सारे काम मैं खुद करती हूँ। सारे काम खुद? ये क्या करते हैं बाकी? ये खाना बनाते हैं, मैं आटा सब्जी वब्जी बाहर से लाता हूँ। आप बाहर से लेके आते हैं? ये भी बड़ा मेहनत का काम है, बार 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 जाना घड़ी घड़ी। हाँ आपको क्या बताएं, तौलिया गीला हो जाता है, इतना पसीना। दही लेकर आ रहे होगे, कभी दूध लेकर आ रहे होगे, कभी सब्जी लेकर आ रहे होगे। नहीं इसके लिए हमने पूरी भैंस रख दी है, बार बार जाने की जरूरत क्या है। कहाँ बांधी है निशा उसको, आप देखती हैं? इनके पलंग के नीचे ही है। तो भाई ये थी आज के हमारे गेस्ट, बहुत प्यारे प्यारे क्यूट से। और निशा जो है, निशा की टिकटॉक आईडी क्या है? निशा ऑफिशियल वन की टिकटॉक आईडी आप जाएं फॉलो करें, सपोर्ट करें, सब मिलकर प्यार दें बहुत सारा। और हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है निशा के नाम से, बताएं। लेकिन उस पर इतनी वीडियो अपलोड नहीं है, बता देना। नहीं उस पर क्या कह सकते, नहीं उस पर इतनी वीडियो, तो वीडियो अपलोड वो आप जाएं, वो अच्छा प्लेटफॉर्म है पर ये उधर। मैं शो खत्म कर रही थी, ठीक है, एंड कर रही थी, शो का वक्त खत्म हो चुका था, बीच में उसने बड़े प्यार से बोला और हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, वरी निशा ने बीच में बोला नहीं नहीं उस पर इतनी वीडियो अपलोड नहीं है। टिकटॉक पे जाएंगी ना तो उसमें ही मैंने मेंशन किया हुआ, तो जो देखना चाहे ना इन्हें। उस बेचारे का तुम दिल मत तोड़ो, हम बता दो क्या नाम है। दिल हमारा नहीं टूटता उस पे, निसाई नाम है, निसाई नाम है। और टिकटॉक पे मेंशन भी है, टिकटॉक पे ही मेंशन है। तो गाइस आप लोग जाएं यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वैसे तो मैं वीडियोस में बना बना के बोल रही थी, अब ये दिन आ गया कि मुझे लाइव बोलना पड़ता है कि फॉलो भी करें, सपोर्ट भी करें और लाइक भी करें। ऐसा ही है, हम सबको लाइक करें, हम सबको आप लाइक करें और हेट, हम सबको भाई, कैमरे के पीछे और आगे। और मेरा शो का ख़त्म होने का वक्त हुआ चाहता है, इससे पहले इतना छोटा सा शो था, अच्छा शो था, और क्योंकि ये छोटा शो लोग देखते हैं। अगली दफ़ा आप हमारे शो में आइएगा, हम बड़ा शो रखेंगे। बस आप मुझे बुलाइएगा। ये मुझे दावत देख के जा रहे हैं, मैं इंशाल्लाह आऊँगी। मेरी दुआ है कि आप भी कोई शो करें इंशाल्लाह, और मैं आपके शो पे आऊँगी अगर आपने दावत दी। जल्दी जल्दी इंशाल्लाह आपको इस चीज़ की खबर मिलेगी इंशाल्लाह, आप यहाँ पे आके प्रमोशन कर सकते हैं इंशाल्लाह। शाहिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद भाई जो कि हम शाहिद भाई को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलते हैं। हाँ शाहिद भी, आप नहीं बोलने चाहती कुछ? मैं भी बोलूँगी। थैंक यू सो मच शाहिद सर, आपने हमें इतना प्यार दिया और इतने प्यार से यहाँ इन्वाइट किया। शायद भी हमारी मीडिया की जान है, शान है, और अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अल्लाह उन्हें बहुत तरक्की दे, और वो बहुत जल्दी नेचर वाइज बहुत अच्छे इंसान है। और अभी हम नहीं बता सकते, इंशाल्लाह जब करेंगे ना तो बहुत अच्छी है, सब व्यूज़ भी कीजिएगा, बहुत प्यार दें और बहुत जल्दी कुछ शेयर करेंगे शायद भी के अपने प्रोडक्ट्स के बारे में भी और बहुत चीज़ों के बारे में भी। नहीं वैसे प्रोडक्ट्स उनका बहुत अच्छा था, मैंने यूज़ किया मेरे है। आप तो यहाँ लाइव यूज़ करने लगे थे, लेकिन अभी सस्पेंस है ना, वो काम पूरा हो जाए तो हम जो है ना इंशाल्लाह बताएंगे, फिर हम सब मिल के बताएंगे। तो हम ओपनिंग करेंगे, आपको बताएंगे अभी से, और उनसे शैम्पू फ्री में भी लेंगे। ले जी इसने बता दिया, मैं बोल रही हूँ कुछ सामान खोलने वाली हूँ, वो कह रही है हम शैम्पू फ्री में भी लेंगे। चलो इंतजार करें ना शैम्पू। एक बात है, आप लोग शायद फ्री मिले या नहीं, मुझे पहले से मिल गया था। आप यूज कर, इतनी मोहब्बत थी कि मेरे को डायरेक्ट बोला कि आप यूज कर सकते हैं। अच्छा अभी वो ऑफ स्क्रीन जो है ना, मुझे बातें सुनाएंगे, सुन लेंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी वर्क, शाहिद भाई बहुत अच्छे इंसान है और बहुत, मैं ये कहूँगी जो भी वर्कआउट कर रहे हैं शाहिद भाई, अल्लाह पाक कामयाबी। आमीन 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 आमीन। हमारे दोस्त हैं, हमारी संगत वाले हैं, जो जो काम कर रहे हैं मेहनत करते रहें, अपना नाम बनाएं ऐसे ही, और किसी पर डिपेंड नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो हमेशा। मैं हर लड़की को ये कहती हूँ, हर लड़के को मैं ये कहती हूँ, किसी पर डिपेंड नहीं हो। हाँ इंसान है, इंसान के काम आता है, सपोर्ट करें। बाकी रखें अपना बहुत सारा ख्याल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। मुझे भी रखें दुआ में याद, मेरे गेस्टों को भी रखें दुआ में याद, और बहुत रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।